नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 5 जनवरी को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में छूट गए स्टूडेंट को मिलेगा बड़ा मौका। इंसास और SLR से लैस होगी बिहार पुलिस। बिहार के बैंकों में खाता धारकों के 2600 करोड़ रूपए लावारिस। ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए इन 4 खिलाड़ियों के बीच टक्कर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 65% आरक्षण को पटना हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में SC ST EBC व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण दिए जाने के मामले पर मोहन कुमार के द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करवाई गई है और चुनौती दी गई है, जिस पर चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा इसी मुद्दे पर गौरव कुमार की याचिका पर 12 जनवरी 2024 को सुनवाई की जाएगी। वही अधिवक्ता दीनू कुमार के द्वारा अपनी याचिका में बताया गया कि सामान्य वर्ग में EWS के लिए 10% आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा 14 और धारा 15(6)(b) के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के अनुपातिक आधार पर आरक्षण का यह निर्णय लिया, न कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर यह निर्णय लिया गया। बिहार के बैंकों में खाता धारकों के 2600 करोड़ रुपए लावारिस। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निष्क्रिय खातों और बैंकों में जमा लावारिस राशि को वर्गीकृत एवं व्यवस्थित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि बैंकों में पड़ी लावारिस राशि सही दावेदार तक पहुंचे, इसके लिए 1 अप्रैल 2024 से एक दिशा निर्देश लागू होने वाला है। बता दें कि रिजर्व बैंक के अनुसार बिहार की बैंक शाखाओं के निष्क्रिय खातों में 2600 करोड़ रुपए जमा है और इन रुपयों का लेने के लिए खाता धारक द्वारा दावा नहीं किया जा रहा। मालूम हो बैंकों में पड़ी इस राशि का पिछले 10 साल से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इन राशि को रिजर्व बैंक के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में ट्रांसफर करना आवश्यक है। बता दें कि बैंकों को सालाना उन खातों की समीक्षा करनी होगी जहां एक साल या ज्यादा समय से ग्राहकों के द्वारा कोई जमा निकासी नहीं की गई है। बैंकों को ग्राहकों को इस बारे में लिखित तौर पर सूचना देनी होगी। 5 जनवरी को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 5 जनवरी 2024 को बिहार के भोजपुर जिले के सहार प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में बिहार सरकार की पहल पर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के तहत जीविका भोगपुर द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाने वाला है, जो कि सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस बारे में जिला नियोजन पदाधिकारी नूर हसन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस रोजगार मेला में 5वीं लेकर इंटर या उससे अधिक योग्यता वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे में जो भी लोग इस रोजगार सह मार्गदर्शन मेला में भाग लेना चाहते हैं, वह मोबाइल ऐप कौशल पंजी स्किल या www.kaushalpanji.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर निःशुल्क अपना निबंधन करा सकते हैं। वहीं किसी प्रकार की समस्या होने पर अभ्यर्थी नजदीकी जीविका प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बिहारी मजदूर के हताहत पर उन्हें लाने की बनेगी नई योजना। बिहार के बाहर काम कर रहे मजदूरों के हताहत होने पर राज्य वापस लाया जा सके, इसके लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा एक विशेष योजना बनाई जा रही है। बता दें कि फिलहाल इस तरह की कोई योजना नहीं है। दरअसल किसी आपात परिस्थिति के दौरान बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों को राज्य में वापस लाने की जिम्मेदारी श्रम संसाधन विभाग को मिल जाती है, जिसके बाद मजदूरों को लाने में खर्च होने वाली राशि का भुगतान किस मद से किया जाए इस पर समस्या बन जाती है। ऐसे में भविष्य में इस तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। बता दें कि इस योजना के तहत किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मौत होने के बाद उनके शव को वापस लाने के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में छूट गए स्टूडेंट को मिलेगा बड़ा मौका। वैसे छात्र जो मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने से वंचित रह गए हैं, उन छात्रों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत यह जानकारी दी गई है कि मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने से वंचित वैसे पंजीकृत छात्र जो स्कूल और कॉलेज द्वारा आयोजित सेंटर परीक्षा में उतरे हैं लेकिन शिक्षण संस्थान के प्रधान की लापरवाही के कारण उनका ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सका, जिसके कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए हैं, वैसे छात्रों के राहत हित में अपवाद स्वरूप विशेष अवसर दिया जाएगा। समिति के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2024 तक तथा रिजल्ट जून तक जारी कर दिया जाएगा। इंसास और SLR से लैस होगी बिहार पुलिस। बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस को इंसास राइफल समेत कई तरह के आधुनिक हथियार से लैस किया जा सके, इसके लिए राशि जारी कर दी गई है। ऐसे में अब इन राशि जल्द ही हथियार की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि बिहार पुलिस में पुलिस पदाधिकारियों के लिए करीब 17,000 अत्याधुनिक हथियारों की खरीद की जाएगी। इनमें 7.62 mm असाल्ट राइफल, 7.62 SLR राइफल, 5.66 mm इंसास और 9 mm ऑटो पिस्टल जैसे शस्त्र शामिल है। आपकी जानकारी
के लिए बता दें कि हथियारों की खरीदारी के लिए गृह विभाग के द्वारा करीब 248 करोड़ रुपए जारी किया गया है। बता दें कि बिहार पुलिस के लिए तिरुचिरापल्ली, खमरिया और वरनगांव की आयुध फैक्ट्री से 121 करोड़ 60 लाख रुपए से, तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली से करीब 40 करोड़ 93 लाख की राशि से, पश्चिम बंगाल की ईशापुर राइफल फैक्ट्री से करीब 31 करोड़ 78 लाख की राशि से और कोलकाता के पास ईशापुर राइफल फैक्ट्री से करीब 20 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च कर हथियार की खरीदारी की जाएगी। गया में बन रहा 23 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क। बिहार के गया के मानपुर प्रखंड के शादीपुर गांव में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर 23 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि अगर यह इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनकर तैयार हो जाता है तो यहां फल्गु नदी प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां कोट पैंट के निर्माण का काम चलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल मैनचेस्टर और बिहार के नाम से प्रसिद्ध पटवा टोली में लगभग 2000 हैंडलूम, 12000 पावर लूम के जरिए कपड़ा बनाने का काम किया जा रहा है और इस उद्योग से 30 से 40 हजार श्रमिकों को रोजगार मिल चुका है। वहीं 23 एकड़ जमीन पर बन रहे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा कहा गया कि इसके पीछे का उद्देश्य है कि पटवा टोली के बुनकरों को एक बेहतर जगह मिले जहां कई लोग आकर काम करें। बढ़ते ठंड को देख बदली स्कूल की टाइमिंग। बिहार में बढ़ते ठंड को देखते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। हालांकि स्कूल की टाइमिंग में यह बदलाव फिलहाल के लिए कोसी प्रमंडल के 3 जिलों सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के लिए किया गया है। ऐसे में अब इन 3 जिलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों का स्कूल टाइमिंग 10 बजे पूर्वाह्न से 3:30 बजे अपराह्न तक कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए 9:30 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक कर दिया गया है। कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के संचालित मिशन दक्ष एवं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए छात्रों के लिए संचालित विशेष कक्षा भी अनिवार्य रूप से उपरोक्त अवधि में ही संपन्न करा लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदेश 31 जनवरी 2024 तक लागू रहने वाला है। मुजफ्फरपुर में एक साथ मिले कोरोना के 3 नए मामले। बिहार में कोरोना के मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक साथ 3 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तीनों मरीज आरटीपीसीआर जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अब इन तीनों मरीजों के साथ मुजफ्फरपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 3 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं उनमें एक 12 वर्ष का बच्चा और एक 20 वर्ष की युवती भी शामिल है। फिलहाल इन तीनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इन मरीज के मिलने से अब स्वास्थ्य विभाग और भी अलर्ट मोड में आ चुका है और लोगों से अपील की गई है कि वह भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूरी बनाकर रखें और मास्क जरूर लगाएं। राज्य में कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर में बढ़ी सीटें। बिहार सरकार के कृषि मंत्री सर्वजीत के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के कृषि महाविद्यालयों में कृषि स्नातक एवं कृषि स्नातकोत्तर में कुल सीटों की संख्या में 299 सीटों की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद अब सीटों की कुल संख्या 490 से 489 हो गई है। बता दें कि इन बढ़ी हुई सीटों पर इसी सत्र में नामांकन होगा। मालूम हो कि कृषि स्नातक में 357 सीटों को बढ़ाकर 610 कर दिया गया है, तो वहीं स्नातकोत्तर में 104 सीटों से 132 सीट कर दी गई है। बता दें कृषि मंत्री के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से सहमति दे दी गई है और साथ ही इसकी तरह ही पीएचडी की सीटों में भी बढ़ोतरी करते हुए सीटों की संख्या 29 से 47 कर दी गई है। वहीं सीट के बढ़ने से अब युवाओं के लिए कृषि में उच्च शिक्षा का अवसर बढ़ेगा। जातीय गणना की तर्ज पर होगी शराबबंदी सर्वे। इन दिनों बिहार में शराबबंदी सर्वे कराए जाने की बात की जा रही है, जिसको लेकर अब मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शराबबंदी सर्वे के लिए हमारे द्वारा 10 दिनों के अंदर एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक एक चीज देख रहे हैं कि एजेंसी का पहले क्या काम रहा है, उसका क्या चार्ज है समेत कई बिंदुओं को देखा जा रहा है। इन सब चीजों को देखने के बाद ही 10 दिनों में सर्वे का काम शुरू करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जातीय गणना की तर्ज पर ही शराबबंदी का घर घर सर्वे कराने का फैसला लिया गया है। घर घर सर्वे के लिए विभाग के लोगों के द्वारा एजेंसी को शॉर्ट करने शुरू कर दिए गए हैं। 3 एजेंसी का नाम आया है, उनमें से किसी एक का चयन किया जाएगा। 6 जनवरी को सीएम नीतीश खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 6 जनवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य के 81 खिलाड़ियों को नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जाने वाला है। बता दें कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास के नेक संवाद में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद होंगे। बता दें खेल प्राधिकरण के डीजी रविन्द्र संकरण के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह नियुक्ति पत्र मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तर्ज पर दी जाएगी। वहीं इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र बांटा जाने वाला है। बिहार बीजेपी के संकट मोचक बने सुशील कुमार मोदी।
बिहार में आए दिन पोस्टर वॉर चलता रहता है। इसी कड़ी में अब बिहार की राजधानी पटना में एक नया पोस्टर देखने को मिला है। बता दें कि इस पोस्टर में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनके पीछे हनुमान जी की तस्वीर दिखाई दे रही है और पोस्टर पर लिखा गया है कि बिहार बीजेपी के संकट मोचक, जिससे यह साफ पता चलता है कि इस पोस्टर की मदद से सुशील कुमार मोदी को बिहार बीजेपी का संकट मोचक बताया जा रहा है। बता दें कि यह पोस्टर सुशील मोदी फैंस एसोसिएशन बिहार की ओर से लगाया गया है। दरअसल कल 5 जनवरी को सुशील कुमार मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में आज से ही उन्हें पोस्टर के माध्यम से जन्मदिन की बधाई देने की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि इस पोस्टर के कई मायने निकाले जा रहे हैं और साथ ही राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा तेज हो गई है। हर जिले में 10 जनवरी से आरजेडी का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में अब आरजेडी भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर आरजेडी की ओर से राज्य के प्रत्येक जिले में 10 जनवरी से राजद का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन की शुरुआत की जाने वाली है, जिसे 13 जनवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान प्रत्येक जिला में बिहार सरकार में राजद कोटे के मंत्री और दल के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जहां कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इस बात की जानकारी प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए इन 4 खिलाड़ियों के बीच टक्कर। आईसीसी पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार के लिए 4 खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है, जिनके बीच इस पुरस्कार के लिए कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बता दें कि इस अवार्ड के लिए जिन 4 खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है, उनमें विश्व के नंबर 1 T20I बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, युगांडा के अल्पेश रमजानी और न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन के नाम शामिल है। बता दें कि सूर्य कुमार यादव के द्वारा 17 पारियों में 48.86 की औसत और 155.96 के स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए गए हैं। वहीं सिकंदर रजा के द्वारा साल 2023 में 11 पारियों में 51.50 की औसत और 150.14 की स्ट्राइक रेट से 515 रन बनाए गए हैं। वहीं इस दौरान 14.88 की औसत और 6.57 की इकोनॉमी से 17 विकेट लिए हैं। अल्पेश रमजानी के द्वारा केन्या के खिलाफ 3 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। रमजानी ने इस साल 8.98 की औसत और 4.77 की इकोनॉमी से 55 विकेट लिए हैं और मार्क चैपमैन के द्वारा 145.54 की स्ट्राइक रेट और 50.54 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए नंबर 4 और नंबर 5 पर न्यूजीलैंड के लिए अहम पारियां खेली गई है। इन्होंने 19 पारियां 44.3 की औसत और 141.87 की स्ट्राइक रेट से 576 रन बनाए हैं। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण दिए जाने के मामले पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा कब सुनवाई की जाएगी? ऑप्शन ए 7 जनवरी 2024, ऑप्शन बी 12 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 20 जनवरी 2024, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 जनवरी 2024। अगला सवाल, आरजेडी का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन कब से शुरू होने वाला है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 13 जनवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 जनवरी। अगला सवाल, राज्य के 81 खिलाड़ियों को नौकरी का नियुक्ति पत्र सीएम नीतीश के द्वारा कब दिया जाएगा? ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन बी 6 जनवरी, ऑप्शन सी 7 जनवरी, ऑप्शन डी 8 जनवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 जनवरी। अगला सवाल, राज्य के कृषि महाविद्यालयों में कृषि स्नातक एवं कृषि स्नातकोत्तर में कितनी सीटें बढ़ी हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 299। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 299। अगला सवाल, सूर्य कुमार यादव ने 17 पारियों में 48.86 की औसत और 155.96 की स्ट्राइक रेट से कितने रन बनाए हैं? ऑप्शन ए 533 रन, ऑप्शन बी 633 रन, ऑप्शन सी 733 रन, ऑप्शन डी 833 रन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 733 रन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, ऋषिकेश शाह, सदुल्लाह पलवी, जितेंद्र ठाकुर, प्रदीप कुणाल, मोहम्मद शकीर हुसैन, अनवर करीम खान, नुन्नू गोलू कुमार, राजेश कुमार मिस्त्री, धीरज कुमार, सपना कुमारी, नौशद राजा, मदन कुमार मोहित। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
बिहार सरकार द्वारा करवाए जाने वाले शराबबंदी सर्वे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।